हम लोगों का सब्जी जो है ठीक से मंडी से थोड़ा उसका थोड़ा होते रहे निर्यात, हाँ निर्यात, हाँ खाद पानी सस्ता हो, और जो पेंशन वो 6,000 दे रहे हैं साल में, लगभग उसका दुना करें। अच्छा, और जो हम लोगों की जोताई के लिए अथवा करेंगे छोटा छोटा जो ट्रैक्टर है उसका सब्सिडी बढ़ाया जाए। खेती में जैसे गोभी लगाते हैं, भंटा लगाते हैं, और इसलिए खेती करते समय महंगाई के हिसाब से खाद सब महंगा पड़ जाता है, और फिर दूसरी बात कि मार्केट में खरीदते उसका बजट भी हम लोग को नहीं बचता है। महंगाई के हिसाब से जैसे पानी महंगा पर ले जाते हैं तो 100 रुपया घंटा पानी पड़ जाता है, कुल ले के मजदूरी पड़ जाता है, कुल लागत नहीं निकल पाता है। मोदी जी की उम्मीद यही है कि थोड़ा बिल मिल ले के सहायता कर दें तो किसानों के लिए फ़ायदा होगा, इसलिए कि मोदी की उम्मीद यही है कि जिसे पैसा आता है किसानों के लिए छूट के लिए तो फ़ायदा होता है, तो खेती कुरार करते समय जैसे गैया भैंस हैं तो दिक्कत आ जाता है, तो अपना बचाते समय जो खेती होता है तो उसमें अपना करते हैं जो बच जाता है, नहीं तो फिर बचत में घाटा लग जाता है। खाद पानी जो है महंगा है, इसलिए मार्केट में खरीदा जाता है तो जितना पड़ता है उतना लिया डालते हम लोग हैं, दवाई का दाम बहुत महंगा है। हाँ, मोदी को उम्मीद है कि अगर सताई कम कर दें तो अच्छा है, दवा तुआ लेके सब महंगा पड़ जाता है, 4,500, 1,000, 1,200 का दवाई पड़ता है। खेती वही आती है हम लोग के बीज सब्जी में, सब्जी खेती होती है, सब्जी खेती हम लोग करते हैं तो सब्जी में यही बीज के लिए छिड़काव के लिए दवा के लिए तो उसमें मतलब हम लोग के लिए समस्या आती है। उम्मीद है इस बार और बढ़ा कर देगी हम लोग का किसानी के, मतलब कि हम लोग जो कर रहे हैं किसानी में सब्जी के लिए और हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हम लोग का नुकसान होता है पशुओं से, छोटा पशुओं से। अब थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन और थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे, इसलिए हम लोग का खेती ठीक है। थोड़ा हम लोग का लाइन जो निजी पंप सेट हैं और उसके लिए भी सब्सिडी मतलब बने, जो आज तक लाइन का बिल है या कोई चीज़ है उल्टा सीधा भी आ जाता है, उसके लिए भी नुकसान सहते हैं किसान लोग। हम खेती किसानी का काम कईला देखा, यह धान रोपवावत बाड़ी, अब पानी नहीं बा, बड़ी समस्या, अब का कैल जाओ। ये दुनिया का गाय गोरू बजौन छूटल हैं, अब योगी सरकार बहुत कुछ बनौले जौन गौशाला वोशाला ओमन कुछ ठीक से व्यवस्था नहीं है, अब तब वो कुल चर जात हैं, अब कौन खेती होए, खाद मिलत है वो इतना महंगा। अभी तू समझ ले कि आज के जमाने में जे खेती करत बा ओके का मिली, पानी इतना महंगा, पानी मिलते नहीं बा। अरे हमन के इजली बिजली कुल फ्री होए के चाहिए, हमेशा मिले के चाहिए, हम हन जौन तो अगर न अन्न उपजाई तो ये लोग कैसे खही हैं, ये न समझे के चाहिए न। तो हमन खेती जब छोड़ दे तो ये कहाँ से पहिए खाए बदे। हमारी पूरा उम्मीद है कि इतना पारी हमन के छुट्टा पशु से निवारण हो जाए, और ये जौन हमन के खेती पारी में जो छिड़काव वाले पारी दवाई आवेले ये बड़ी महंगी बा, एकर कोनो उपाय हो जाए कि सस्ता रहे, जोने में कि छिड़काव हमन करी अपन तरकारी वरकारी, अब नेनुआ करेला भिंडी लगल बाण, अब ओके छिड़काव बदे जात बाड़ी, अब हाथे से छिड़का कोनो मशीन हो वो हमें सस्ता मिले, छोटवार मोटवार ट्रैक्टर है जौन कि हम अपने खेती से कह ली आराम से। अब ये कुल समस्या बा, अभी मोदी जी बाण इतना सरकार व्यवस्था कैले बा बहुत कुछ कही न, लेकिन अभी कुछ बाकी हो, अगर ये कुल काम हो जाए तो हमन के बहुत बढ़िया हुई।